Hey guys, thanks for tuning in back to DNA Vlogs. This is Dipen from Kutch right now. But ये vlog already shoot किया हुआ था, वो भी पूना में. But I missed an intro, so intro मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Outlock Design का जो body kit है, they are famous for body kits. तो वो body kit Duke Explorer के लिए कैसा बना है और उसका finishing क्या है, उसमें आपको क्या क्या parts आएंगे and कौन से Duke को बैठेगा. तो ये बेसिकली फर्स्ट ड्यूक 390 के लिए है. सेम ड्यूक 250 के लिए भी आएगा. एंड जो जो बॉडी टाइप मैच होते हैं, लाइक ड्यूक 390 को अगर कोई और बॉडी टाइप मैच होता है और ड्यूक 250 को कोई और सीरीज मैच होती है, लाइक वी ऑल्सो हैव 200s 250s, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं ड्यूक में. तो जिस जिस बॉडी का यू नो शेप मैच होता है इस वीडियो में जो हम ड्यूक दिखा रहे हैं उससे, तो ये बॉडी किट उस ड्यूक पे स्ट्रेट फिट होगा. ड्यूक 250 का स्लाइटली डिफरेंट है बिकॉज उसमें हेडलाइट डिफरेंट आती है. KTM ने डिफरेंट हेडलाइट दिए तो उसका जो फ्रंट पार्ट है वो स्लाइटली डिफरेंट आएगा. उसका एक डिटेल वीडियो रहेगा अलग से जिसमें मैं इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि आपको यू नो इंस्टॉलेशन कैसे करना है. इस वीडियो में बेसिकली ओवरव्यू रहेगा कि क्या क्या पार्ट्स आते हैं और माउंट पॉइंट्स क्या हैं एंड कलर ऑप्शंस वगैरह आप Outlock के वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. Outlock का इंस्टाग्राम भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आपको ज़्यादा सवाल हैं उस पर. तो आगे बढ़ते हैं, बहुत मैंने बड़बड़ कर ली. लेकिन आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है, पढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब बटन. देर आर मोर देन 450 वीडियोज़ ऑन माई चैनल, सो दे आर मोस्टली ऑन DIYs एंड रिव्यू ऑफ सच प्रोडक्ट्स, सेफ्टी गियर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आई एम श्योर यू विल फाइंड समथिंग और द अदर वेरी यूजफुल. सो यस, चलते हैं आगे. सो दैट्स द ब्यूटिफुल एक्सप्लोरर GT फ्रॉम Outlock डिज़ाइन. नाउ अदरवाइज दिस इज अ स्टॉक ड्यूक 390. ओके, ये स्टॉक ड्यूक 390 है. इसमें ज़्यादा कुछ और भी यू नो कोई और मॉड्स नहीं है, नो अदर मॉड्स इन दिस बाइक. इट्स कम्प्लीटली अदरवाइज स्टॉक. वॉट यू गेट विद द किट इज टू टैंक श्राउड्स, ओके, वन फॉर लेफ्ट वन फॉर राइट, योर हेडलैम्प कवर, योर एडजस्टेबल वाइजर. येस, दिस विंडशील्ड, ये जो वाइजर है ये एडजस्टेबल है. इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर हाइट और बेस्ड ऑन योर विंड ब्लास्ट ब्लॉकेज प्रेफरेंस. एंड हाउ टू डू दैट आई विल शो यू इन अ डिफरेंट वीडियो व्हेन आई विल डू द इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ द एक्सप्लोर GT फॉर द यू नो ड्यूक 250. दैट टाइम मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि उसको कैसे एडजस्ट करना है. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दिस because it is installed and the customer is going to come and pick this up in some time. Again, one more thing, this kit is right now is not ready, so don't feel that this is looking bad because there's going to be a cover over here which is not ready right now. This bike is going for display somewhere, so that is why the customer is taking it urgently right now. Once it is ready, you know, probably in the 250 video I'll show you the complete kit. So these two parts, the two shrouds, the headlamp cover, the visor, adjustable visor, its bracket, the mounting brackets, and there'll be a cover over here. So this won't look that bad. Okay, there's going to be a proper cover on this part. Otherwise, you get this GT in whatever colors your Duke is in, so you can match that. Secondly, you will be having about the graphics and all. What I'll do is I'll leave a link to the Outlock website where you can purchase this whatever stuff you want and place an order for you. Now these kits are not readily available, you'll have to place order in advance and you'll get it after few days. I'll just give you a brief about you know how to mount and all. So you got stock mount bolts in your bike, this kit you know will mount straight on that. Nowhere you have to cut anything or drill anything, everything will be just bolt on. It's a bolt on body kit. एंड आपको कहीं भी कुछ काट कुट नहीं करना है, ड्रिल विल कुछ नहीं करना है, सब कुछ स्ट्रेट फिट हो जाएगा. सब ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे, सब माउंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, सब बोल्ट्स जहाँ भी आपको लगने वाले वो सब आपको मिल जाएंगे. जो भी ये वाले बोल्ट्स वगैरह है सब आपको Outlock प्रोवाइड कर देगा आपके किट में, एंड देन यू कैन जस्ट बोल्ट ऑन एंड इंस्टॉल. मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू आर अ DIY enthusiast, यू कैन डू इट yourself also, और यू नो यू कैन टेक इट टू योर मैकेनिक, योर लोकल engineer who works on the bike, he can also do the installation. Right now installation video is not ready, so
प्रोबेबली यू कैन टेक द इंस्टॉलेशन स्टेप्स फ्रॉम आउटलॉक डायरेक्टली जब मेरा वीडियो तैयार हो जाएगा एंड इफ यू गाइज गेट द वीडियो द किट आफ्टर दैट वीडियो सो यू कैन फॉलो दैट वीडियो फॉर इंस्टॉलेशन स्टेप्स. मैनी पीपल आस्क मी यू नो अबाउट दीज मॉड्स दैट आई पुट अप फ्रॉम ऑल दी बाइक्स जो भी मैं दिखाता हूँ मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ यू नो सम पीपल इंस्टॉल फॉग लाइट सम पीपल इंस्टॉल दिस किट सम पीपल इंस्टॉल समथिंग एल्स क्रैश गार्ड्स एंड ऑल सो टू सम एक्सटेंट यू अलाउड टू डू दी मॉडिफिकेशन टू सम एक्सटेंट यू आर नॉट उसके डिटेल्स व्हाट आई डू इज आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन यू कैन गो थ्रू दोस आर्टिकल्स फ्रॉम गूगल. सो दिस प्रोबेबली इज अ वेरी 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 शॉर्ट वीडियो. I'll end the video here and put some, you know, cinematics or photographs after this clip so that you can enjoy those. And if you like this video, please do hit the like button. Also do subscribe to my channel. I'm about to cross 10,000. I'm not sure, you know, by the time this video rolls out if I have crossed 10,000 or I've yet to cross. So if you have not subscribed, I'll request you to please subscribe to my channel and do share this video in your, you know, 390 groups. Wherever you're part of KTM groups or something, you know, if someone is interested, you can show them this video for the walkarounds and all. Thanks for watching. This is Dipen from Pune. See you in a new video very soon. It's alright to let you go.